हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ अड्डा बायोलॉजी। दिस इज प्रोफेसर सुनील कुमार। हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर सच इजी वीडियोस। बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक नया चैप्टर है जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या पता है, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का डेफिनेशन अगर किसी ने पूछा तो क्या बोलोगे आप, बोलोगे ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ। यहाँ पे दो वर्ड है, पहला वर्ड हेरिडिटी, दूसरा वर्ड है वेरिएशन। हेरिडिटी मतलब क्या होता है, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है उसको हेरिडिटी कहते हैं। वेरिएशन मतलब क्या होता है, बदलाव। तो बेसिकली अगर तुम एक चीज को ऑब्जर्व करो कि हम जो भी जीन कैरी कर रहे हैं वो हमारे माँ बाप का कैरी कर रहे हैं, सिंपल लॉजिक है। पर हम एग्जैक्टली क्या अपने पेरेंट्स जैसे दिखते हैं, नहीं दिखते हैं। तो वो क्या हो जाता है, वेरिएशन। मैं और मेरा भाई, मैं और मेरी बहन दोनों एक ही माँ बाप के बच्चे हैं, पर क्या हम एग्जैक्टली सेम है, नहीं। इसे क्या कहते हैं, वेरिएशन। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या आता है हेरिडिटी का, आप कह दो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो जाएगा वो। और यू कैन पुट वन मोर डेफिनेशन, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर और फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, इसको हम क्या कह देते हैं, हेरिडिटी। वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन मतलब बदलाव, चेंजेस। सो डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग, या बिटवीन टू ऑफस्प्रिंग बॉर्न टू सेम पेरेंट, दो बच्चे जो एक ही माँ बाप को पैदा हुए हैं वो भी एग्जैक्टली सेम नहीं होते, उनके बीच में डिफरेंस होता है, उसी डिफरेंस को हम कहते हैं वेरिएशन। सवाल ये उठता है कि जेनेटिक्स वर्ड किसने दिया, तो याद रखो 1908 में एक साइंटिस्ट आए थे, विलियम बेटसन नाम के साइंटिस्ट ने 1908 में जेनेटिक्स टर्म दिया, जो ग्रीक वर्ड से आया हुआ है जेनेसिस। और जेनेसिस का सिंपल सा मतलब होता है टू ग्रो इनटू समथिंग इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स। अभी जेनेटिक्स में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट चलता है जिसको आप रिप्रोडक्शन कहते हो। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, डेफिनेशन हमने पहले ही किया हुआ है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लाइफ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, या तो गिविंग बर्थ टू यंग वंस ऑफ इट्स ओन काइंड, अपने जैसे को जन्म देने को। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी पैदा होते हैं उनको आप क्लोन कहते हो, क्योंकि वो एग्जैक्टली सेम दिखते हैं, उनमें कोई वेरिएशन नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो पैदा होते हैं उनको आप ऑफस्प्रिंग कहते हो, उनमें वेरिएशन पाया जाता है। अब मेंडल की पहली बात, मैंगो प्लांट है तो मैंगो को बर्थ देगा, लायन है तो कब्स को बर्थ देगा, कैट है तो किटन को बर्थ देगा, डॉग है तो पप्स को बर्थ देगा, इंसान का बच्चा है तो इंसान को जन्म देगा। बहुत बेसिक लॉजिक है। तो यहाँ से एक वर्ड निकल के आता है, लाइक बेगेट्स लाइक। लाइक बेगेट्स लाइक का सिंपल सा मतलब हो गया अपने जैसे को जन्म देना। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, जेनेटिक्स को सबसे पहला किसने स्टडी किया। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स आप याद रखना, फादर ग्रेगर जोहान मेंडल। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम है वो है मेंडल। तो आपको क्या याद रखना है कि मेंडल ने बेसिकली जेनेटिक्स का सबसे पहला शुरुआत किया। अब मेंडल की अपनी एक लाइफ हिस्ट्री है, अपनी एक स्टोरी है, थोड़ा सा वो भी समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल, मेंडल का बर्थ कब हुआ, तो हम कहते हैं 22 जुलाई 1822। कहाँ पैदा हुआ, प्लेस ऑफ बर्थ क्या था, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। ऑस्ट्रिया में कहाँ पैदा हुआ ये आपका चॉइस है, याद रखना है तो रखो, नहीं रखना है तो मत रखो। ऑस्ट्रिया में कहाँ, हेंजेनडॉर्फ। हेंजेनडॉर्फ में किधर, सिलिसियन विलेज। स्टडी मेंडल ने पढ़ाई कहाँ से की, तो हम कहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वियना से पढ़ाई की। मेंडल ने कौन से सब्जेक्ट में पढ़ाई की, तो हम कहते हैं फिजिक्स, मैथ्स, नेचुरल साइंसेस। मेंडल ने बायोलॉजी बनाया है, उसने बायोलॉजी की स्टडी नहीं की है। मेंडल पढ़ाई के हिसाब से क्या था, स्टैटिस्टिशियन था। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिस्टिशियन, ये बेसिकली मैथमेटिशियन था जो मैथ्स का स्टडी करता था। काम के हिसाब से देखो, मेंडल का सबसे बड़ी बात ये थी कि मेंडल साइंटिस्ट था ही नहीं, मेंडल वॉज अ प्रीस्ट, और प्रीस्ट के साथ साथ वो क्या था, टीचर था। तो जिस पर्टिकुलर चर्च में वो काम करता था उसमें, उसका नाम था ऑगस्टिनियन मोनेस्ट्री, उस चर्च में वो प्रीस्ट था और चर्च के ही बच्चों को पढ़ाता था, तो वहाँ पे टीचर भी था। पर मेंडल का माइंड जो है क्वेश्चन वाला माइंड था, हमेशा वो नए नए एक्सपेरिमेंट एक्सप्लोर करना चाहता था, नए नए रिसर्च करना चाहता था। तो चर्च के पीछे बेसिकली, एक चर्च के पीछे गार्डन था जो 70 मीटर बाय 7 मीटर का था। मेंडल ने जब उस गार्डन को देखा, उसको खाली स्पेस मिला, उसने सोचा मैं अपना एक्सपेरिमेंट इस पर कर सकता हूँ और मैं कुछ नया ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट क्या किया,
तो हम कहते हैं 1856 में मेंडल ने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। किस पे किया? गार्डन पी, मटर जिसे हम कहते हैं। गार्डन पी का साइंटिफिक नेम क्या है? पाइसम सटाइवम एल। एल का मतलब क्या होता है? लीनियस। लीनियस मतलब वो साइंटिस्ट जिसने इसको बाइनोमियल नेम दिया, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तो अपने एक्सपेरिमेंट को बेसिकली उसने एक नाम दिया, इट वॉज कॉल्ड एज एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। क्या नाम दिया उसको? एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पे वर्ड आता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मतलब मिक्सिंग। मेंडल ने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए, हर एक एक्सपेरिमेंट उसके कंट्रोल में था। मतलब किसका पोलन ग्रेन किसके एंथर पे जाएगा, वो सब कंट्रोल करने वाला काम किसका था? मेंडल का था। तो इसलिए हाइब्रिडाइजेशन नाम दिया। मेंडल ने 1856 में काम स्टार्ट किया और 1863 में कंप्लीट कर दिया। मतलब तकरीबन 8 से 9 साल लगे मेंडल को ये कहानी को कंप्लीट करने में। कोई भी साइंटिस्ट अगर नया कुछ रिसर्च करता है तो उसको क्या करता है? कहीं जाके दिखाता है कि मैंने ये काम किया हुआ है, और इसको रिकॉग्निशन दो कि मैंने ये जो भी एक्सपेरिमेंट हो मेरे नाम में आना चाहिए। तो मेंडल ने भी वैसे ही किया, उसने जाके अपने काम को प्रेजेंट किया, दिखाया। कहाँ दिखाया? नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रुन में दिखाया। तो नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रुन में अपने पेपर को जब उसने प्रेजेंट किया तो मेंडल वहाँ पे बैठे सभी साइंटिस्टों को क्या कहता था कि एक प्लांट टॉल है, एक प्लांट डॉफ है। जो टॉल है उसमें फैक्टर है, जो डॉफ है उसमें फैक्टर नहीं है। मेंडल ये भी कहता था एक सीड येल्लो है, एक सीड ग्रीन है। जो येल्लो है उसके अंदर फैक्टर प्रेजेंट है, जो ग्रीन है उसमें फैक्टर नहीं है। मतलब मेंडल हर बार घूम फिर के एक ही वर्ड पे फोकस करता था, फैक्टर। वहां पे बैठे सारे साइंटिस्टों ने सिर्फ एक ही चीज पूछा, मेंडल तुम ये बता दो फैक्टर क्या होता है। अगर तुम फैक्टर बता पाओगे तो तुम्हारे काम को रिकॉग्निशन हम दे सकते हैं। बट मेंडल का प्रॉब्लम यह था कि मेंडल को पता ही नहीं फैक्टर क्या होता है। सो मेंडल वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द वर्ड फैक्टर, और फैक्टर वर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इस वजह से मेंडल का वर्क रिजेक्ट हो गया कि जब तुम बता ही नहीं पा रहे फैक्टर क्या है तो हम कैसे माने तुम्हारा एक्सपेरिमेंट सही है। तो मेंडल का वर्क जब रिजेक्ट हो गया तो मेंडल काफी दुखी हो गया। इसमें एक और चीज समझने वाली बात यह है कि 1863 में मेंडल ने एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लिया था, अब उसका वर्क रिजेक्ट हो गया। तो रिजेक्ट होने की वजह से वो सैड हो गया, तो 1884 में मेंडल डाइड। बिकॉज हिज वर्क वॉज रिजेक्टेड, सैड था, तो वो बेचारा मर गया। लेकिन हुआ क्या, 16 साल बाद, अब ये कोई ओम शांति ओम का पिक्चर तो है नहीं कि शाहरुख खान की तरह इसका फिर से पुनर्जन्म होगा। तो यहाँ पे 16 साल बाद मेंडल का पुनर्जन्म नहीं होता। 16 साल बाद मतलब 1900 में 3 साइंटिस्ट आते हैं, ह्यूगो दी व्राइस, कार्ल कोरेंस, एरिक वॉन टेशमार्क। ह्यूगो दी व्राइस कहाँ से था? होलैंड। कार्ल कोरेंस कहाँ से था? जर्मनी। एरिक वॉन टेशमार्क कहाँ से था? ऑस्ट्रिया। ये याद रखो, ये नीट में पूछते हैं, ह्यूगो दी व्राइस हॉलैंड, कार्ल कोरेंस जर्मनी, एरिक वॉन टेशमार्क ऑस्ट्रिया। ये सब तीनों मिल के मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किए। ये भी उसी जगह पे गए, कहाँ पे? नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रुन में। वहां जाकर के वो भी यही बताया कि एक पी प्लांट टॉल है क्योंकि उसमें डिटरमाइनर है, दूसरा पी प्लांट डॉफ है क्योंकि उसमें डिटरमाइनर नहीं है, एक पी प्लांट का येल्लो सीड है क्योंकि उसमें डिटरमाइनर है, दूसरे पी प्लांट का ग्रीन सीड है क्योंकि उसमें डिटरमाइनर नहीं है। मतलब मेंडल की तरह जैसे मेंडल हर बार फैक्टर फैक्टर करता था, ये साइंटिस्ट डिटरमाइनर करने लगे। तो वहां पे बैठे सभी साइंटिस्ट एक बात समझ गए कि फैक्टर और डिटरमाइनर ये दोनों एक ही है। आज से 35 साल पहले एक जीनियस आके हमें बता के गया, पर हमें समझ में नहीं आया। फिर इन तीनों ने जब मेंडल के वर्क को रिडिस्कवर किया और ये पता किया, फैक्टर और डिटरमाइनर कुछ और नहीं क्या होते हैं? जीन होते हैं। ये कुछ और नहीं है, क्या है? आपके डीएनए है। अगर डीएनए एक्सप्रेस हो गया तब वो कैरेक्टर दिखेगा, डीएनए एक्सप्रेस नहीं हुआ तो वो कैरेक्टर नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से मेंडल का वर्क जो है 1901 में रिडिस्कवर होता है, और मेंडल को टाइटल क्या मिलता है? फॉग, FOG, फादर ऑफ जेनेटिक्स। 1866 में मेंडल वर्क वॉज पब्लिश इन द फ्लोरा मैगजीन। देखो दुनिया में दो ही मैगजीन है, फ्लोरा एक फौना। फ्लोरा में सारे प्लांट के बारे में छाप देते हैं और फौना में सारे एनिमल के बारे में छाप देते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कार्ल कोरेन ने मेंडल के सारे पोस्टुलेट को लॉ में क्या किया? कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से मेंडल की पूरी स्टोरी खत्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे? मेंडल
क्यों सक्सेसफुल हुआ, मेंडल क्यों जीनियस था, कौन कौन से टर्मिनोलॉजीज मेंडल ने दिए। फिर उसके बाद पढ़ेंगे पी प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक, क्रॉस देखेंगे, सिंगल जीन इनहेरिटेंस, टू जीन इनहेरिटेंस क्रॉस, और लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड लॉस ऑफ मेंडल। तो ये सारी चीज़ें इन शॉर्ट है जेनेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर के हिसाब से, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन दिस इज सुनील सर सेइंग गुड बाय टू यू। थैंक यू वेरी मच।